जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आपको पता है जिस तरह से कल जी मेरे बेटे में मतलब बच्चे जो है ना वो उड़ गए थे दोनों, और मैं जब काम से फ़ारग होके आया था मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यार दो बच्चे जो है ना वो ऊपर हैं, एक तो रात के अंधेरे में बैठ गया दोस्तों, दूसरा जो है ना वो बच्चा सुबह आया, ये देखे माशाल्लाह से, ये दोस्तों बेपीजन बैठा हुआ है, ये देखे जी माशाल्लाह 12 नंबरी हमारा शहजादा ये आया जी सियालकोटी बच्चा। तो माशाल्लाह बड़ी अकल यार इस बच्चे ने भी दिखाई है। ठीक है, वैसे ये है कि ये ऊपर दोनों फंसे रहे हैं एक दूसरे के साथ, और दूसरा बच्चा ऐसे झुंबे मार मूर के नीचे आ गया था, इससे नीचे ही नहीं आया जा रहा था, ये छोटा है अभी, मेरे ख्याल में इसने पहली अकल ही नहीं इस बच्चे ने गिराई है, गिरा दी है या दूसरी गिराई है, बहरहाल काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने इसको पकड़ के नहीं अभी तक देखा, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। तो अभी मेरे सारे कबूतर बंद हैं, ये बस बच्चे जो है ना ये देखें इधर नीचे अंदर हैं, और उस जाल में कोई चीज़ नहीं आपको नज़र आ रही होगी। तो कल दोस्तों जो टाइम था वो आपके सामने था, बिल्कुल अंधेरा छा गया था जब जाके वो दूसरा बच्चा बैठा, और लाइटों के बच्चे लगे नहीं हुए थे, लाइटें जला के फिर बच्चों को बिठाया जिस तरह से, एक को आपने देखा था और दूसरा माशाल्लाह से सुबह आया, और मौसम देखें अगर आज तो मौसम देखें जी ये आपके सामने है, आज बादल शादल छाए हुए हैं, काफ़ी मौसम ख़राब है दोस्तों। तो अदरवाइज मैं ऊपर जाता हूँ आपके साथ ज़रा शेयर करता हूँ इस बच्चे को। लें दोस्तों मैं छत पे आ गया हूँ, और कल जिस तरह से ये दाना पानी करते रहे कबूतरों को बच्चों को शाम के टाइम, ठीक है, तो वो आपके सामने है इनको बिठाने के लिए। तो बाकी ये माशाल्लाह से जी हमारा शहजादा जो है ना वो सुबह सुबह आके बैठा हुआ है ऊपर, ये देखें। अच्छा ये बच्चा मेरा लगा नहीं हुआ था, ठीक है, मैंने इसको कल फर्स्ट डे उड़ाया था जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया था, सुबह सुबह उड़ाया था फर्स्ट डे, और तकरीबन 1 घंटा उड़ के आया था। तो मैं ये भी इस बच्चे की बड़ी गनीमत समझता था, क्योंकि दोस्तों बच्चे मैं ज़्यादातर तो अभी पक्के कर रहा हूँ, बच्चों को नहीं मतलब परवाज़ जो है ना वो ले रहा, पहले भी मैंने आपको दिखाता है कि मैंने अभी बच्चे नहीं उड़ा रहा था, ठीक है, और कल फर्स्ट डे मैंने इन बच्चों को जो है ना वो फिर सभी को पल्ला मारा था, छोटे बड़े सभी को मारा था। अब ये भी देख लें ये कितना छोटा बच्चा है, ठीक है, तो वैसे ये है कि जो भी मतलब उड़ा था वो आपके सामने था, और ये बच्चा अभी छोटा सा है ये वाला, ये देखें, तो ये माशाल्लाह से उड़ा, फिर आगे सेकंड टाइम फिर दोबारा से उड़ गया ये बच्चा, क्योंकि एक मरतबा इसने आसमान देख लिया था और दूसरी मरतबा पता नहीं किसी चीज़ से डर के उड़ा या मतलब क्या मामला थे, मैं थोड़ा सा ज़रा काम से लेट हो गया था इस वजह से। तो बाकी दोस्तों इस बच्चे को ज़रा मैं नीचे उतारता हूँ तो साथ में आपके साथ शेयर करता हूँ। कबूतर कल सारे खोल दिए थे मैंने, ये देखें बच्चे बड़े सारे, फिर इधर भी कुछ चले गए हैं कुछ उधर चले गए थे, ठीक है जी। तो बहरहाल बाकी ज़रा मैं इसको जो है ना वो नीचे उतार के आपको दिखाता हूँ। लें दोस्तों अब मैंने फिर इस तरफ से जो है ना वो कबूतरों को खोला, क्योंकि ये कबूतर जो है ना वो दूसरे हैं, बच्चे उस साइड में दोस्तों, और आज का मौसम आपके सामने, अब जो है ना वो किसी किस्म की जो है ना वो गलती नहीं करेंगे हम, क्योंकि कल भी जो गलती हुई है वो आपके सामने है, ठीक है। तो बाकी ये है कि ज़रा कबूतरों को जल्दी दाना डाल के बच्चों को अंदर कर दिया करेंगे, और वेदर के हिसाब से अब जो है ना बच्चों को खोला करेंगे, ऐसे बच्चों को नहीं खोलना, बच्चे अब थोड़ा सा उनको पता चलने लग गया कि हमने उड़ना है, वो फिर ऊपर जब जाते हैं ना वो फिर नीचे आने की नहीं सोचते, फिर ऊपर के ऊपर ही जाते हैं। तो बाकी खैर इस बच्चे को ज़रा मैं नीचे उतार लूँ, आने ही लगा आने लगा आने लगा, उस साइड से फिर बड़े कबूतरों को लैदा कर देता हूँ। ज़रा कल दोस्तों जिस तरह के मामला थे मैं आपको क्या बताऊँ, अंधेरा फुल छा गया, फिर मैंने तकरीबन 9-10 बजे तक जो है ना वो लाइटें जलाई रखी थी ताकि बच्चे थोड़ा सा जो है ना इनका दर्शन नहीं, वैसे भी आगे तो वैसे भी दोस्तों इनको रात को जो है ना आगे से निकालना पड़ेगा, तभी जाके जो है ना वो काम सेट होगा, क्योंकि अभी कच्चे पुरों में कबूतरों को रात को निकाला करेंगे ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे होंगे ठापों शापों पे बैठेंगे, तो फिर जो है ना इनका डर निकलेगा, जितनी देर में पार्शियल इनके पूरे होने हैं उतनी देर में कबूतरों ने भी जो है ना वो अपना आप सेट कर जाना है, ठीक है। तो बाकी ये एक कबूतर है, ये देखें इसके भी पर जो है ना वो पूरे फुल लैस हो गए हैं, और इसके साथ एक वो जीरी मादी है, ये जोड़ी पहले की जो है ना परपटाई हुई थी इसकी, तो ये इसी वजह से जो है ना वो सारे जल्दी हो गए हैं, मतलब फुल लैस हो गए हैं। अजय शहजादे आ जा नीचे, ये आ गया जी माशाल्लाह, हमारा शहजादा रात रह के जी वापस आया, ये देखें जी 12 नंबरी। तो दोस्तों मैं ज़रा इसको पकड़ लूँ, तो पकड़ के फिर कैमरा स्टैंड पे लगा के आपके साथ शेयर करता हूँ।
लें दोस्तों, ये जी वो बेपी जन है, ठीक है। और जो मैं बात कर रहा था आपके साथ कि इसने अभी पहली कली गिराई है या नहीं गिराई, वो आपके सामने ये देखे पर्पल है इसका जी, ठीक है। यहाँ से पारा आप स्टार्ट कर लें 3 और 3 6 और 3 9, ठीक है। ये देखे फर्स्ट कली इस बच्चे ने जी गिराई है पहली, तो अभी छोटा सा बच्चा है और माशाल्लाह से बच्चे की अकल आप देखें कि बच्चा अगर यार छोटा सा और इतनी गहराई में आसमान में रात के टाइम रुका हुआ और सुबह वापस आना, बड़ी बात होती है जी। क्योंकि दोस्तों पहले जो है ना मेरे पास ऐसे मामला बनते रहे हैं कि कबूतर ऐसे छत के साथ लगा हुआ होता था तो वो बैठ नहीं पाता था, ठीक है। और वो जी उसका फिर बाद में पता चलता था वो तो फलां फलां मतलब इलाके में पहुंच गया, ठीक है, बड़ी दूर पहुंच गया। तो ये है बाकी, अब पता नहीं बच्चा कहाँ से होता हुआ था जो है ना वो आया, और रात कहाँ पे इस बच्चे ने गुजारी है, ठीक है। तो फिर हमारे पास वापस आया बच्चा, वैसे जोर जोर कोई नहीं बच्चे ने लगाया हुआ, ये देखे ना जोर जोर नहीं बच्चे ने लगाया हुआ, माशाल्लाह से बड़ा साफ है। और इसके पर्पल के हवाले से मैंने एक जो है ना वो स्टोरी लगाई थी, तो मतलब आपके साथ शेयर की थी एक पिक्चर, तो काफी भाइयों का वो मानना आ रहा था कि यार इस बच्चे को जो है ना रोक लें, इस बच्चे का तो माशाल्लाह पर्पल ही बड़ा कमाल का है, ठीक है। तो वो ये आपके सामने ये देखें जी, तो इंशाल्लाह इसको उड़ाएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी हमारा जो है ना वो आपको पता है जिस तरह से कि जरा शौक करना है, तो शौक में इंशाल्लाह जो है ना वो सारा कुछ करेंगे तो फिर मजा आएगा। बाकी ये दोस्तों इसकी टेल है और बड़ा प्रेल है, ये देखें मुलायमियत देखें इसकी जी, हाथ में से फिसल फिसल के जा रहा है। बाकी इसकी आइज का मैं आपको शो करवा देता हूँ, ये देखें जी, ये दोस्तों माशाल्लाह इसकी आँख है, सियालकोटी और लाल आँख का क्रॉस है ये। और सियालकोटी का अगर लाल आँख में या टैडी में डाल के जो है ना वो क्रॉस लगाया जाए ना, तो बड़ा ही शानदार जो है ना वो क्रॉस बनता है आगे। तो ये जी वो बच्चा है, ठीक है, सियालकोटी और लाल आँख का क्रॉस है ये। तो माशाल्लाह सब भाइयों ने ज़रूर बोलना है इस बच्चे के हवाले से। तो इसको जो है ना मैं अंदर बंद कर दूंगा, अभी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा ऊपर, मतलब आज मौसम दोस्तों ख़राब है। और इसके वैसे भी थोड़े से पर जो है ना वो बांध देते हैं इन दोनों बच्चों के, ये भाई नवी वाला है और एक ये वाला बच्चा है। ये दोनों बच्चे जो है ना वो ज़्यादा मतलब उड़ रहे हैं तो तंग कर रहे हैं, इससे मेरा ये मानना है कि यार अभी बड़ी देर है हमारे मतलब शौक के हवाले से, टाइम अभी बड़ा पड़ा हुआ है, तो एवं बच्चों को जो है ना वो ज़ाया ना किया जाए। तो वैसे भी मैंने तो दोस्तों आपके सामने बताया हुआ है जिस तरह से कि बच्चे जो है ना इस बार इंशाल्लाह बड़ी एहतियात से जो है ना वो उड़ाएंगे, बच्चों को ऐसे जो है ना वो नहीं मतलब करना तंग। तो आपके साथ अगर मैं यहाँ से शेयर कर दूँ, ये देखें बच्चे को छोड़ के ना यहाँ पे दोस्तों आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, ये देखें, ये माशाल्लाह से हमारा शहजादा जी रात में उठ जो के वापस आया, ठीक हो गया जी, ये देखें। तो बाकी ठीक है दोस्तों, मैं ज़रा ये वाले दूसरे कबूतरों को बाहर निकाल दूँ बच्चों में से, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह फिर जो है ना नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।